नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को करनाल आगमन पर पंचायत भवन परिसर से करीब 13 करोड़ 26 लाख रुपए के 12 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से तैयार 2 सड़कों का उद्घाटन और 10 तीर्थों के नवीनीकरण व सौंदर्यकरण के कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन विकास कार्यों पर 11 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 49,79,000 रुपए की लागत से नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव प्रधाना से गागर की सड़क तथा करीब 1,22,26,000 रुपए की लागत से संडीर से प्रधाना की सड़क का विस्तारीकरण के कार्य का उद्घाटन किया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। पहली बार किसी मुख्यमंत्री को हरियाणा के इतिहास में ये बजट के पेश करने का मौका मिल रहा है और इस बार पिछले लगभग 1 महीने से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बजट प्रभावित करता है ऐसे सब लोगों से विचार विमर्श किया है। कई बैठकें हो चुकी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, सर्विसेज के लोग हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं और महिलाओं की अलग से एक मीटिंग करके उनसे हमने बातचीत की। स्थानीय निकाय के नाते शहरी स्थानीय निकाय अलग, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय अलग, उनसे बातचीत हुई, सांसदों से बातचीत की और विधायकों से भी लगातार 3 दिन हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। और इसमें मुझे खुशी है कि जितने विधायकों ने सुझाव दिए हैं, जो अपेक्षाएँ की हैं, वो पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके सब लोगों ने हरियाणा के लोगों की, हरियाणा की जनता के हित में अच्छे सुझाव दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने सुझाव आए हैं, जो लिमिटेशन होती है बजट की, क्योंकि हमको मालूम है आय और खर्च इसको बराबर ही रखना होता है, प्राथमिकताएं सुझाव के हिसाब से बदली जा सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे अधिकांश बातों को उसमें यानी समाहित करते हुए और एक बजट पेश करेंगे। इस बजट को मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जनता का ये बजट होगा, जनता के अधिकांश लोगों को इसमें हम जो है।